यहाँ के एसपी से मिलना मुझे। कहिए, मैं यहाँ का एसपी हूँ। एसपी का मतलब समझते हैं आप? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होता है वो। जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप। जानते होते तो आपके क्षेत्र में इस तरह हत्याओं पर हत्याएं नहीं होती। यहाँ के विधानसभा के उम्मीदवार की हत्या हो गई और आपका विभाग हाथ पर हाथ देने बैठा है। देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं कर रही पुलिस। आपकी इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, जनता का विश्वास उठता जा रहा है पुलिस से। अगर इस मामले में भी आपकी प्रतिक्रिया इस तरह से रही तो पुलिस कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा मुझे। पूरी कानून व्यवस्था को हिला कर रख दूंगा मैं। हेलो, मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर किशन कश्यप, मेन बाजार पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो। के सर, आप जानना चाहते हैं अमृतपाल का कातिल कौन है? हाँ हाँ सर, आप अपना मॉनिटर ऑन कीजिए। मैंने सेल में माइक्रोफोन फिट कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं अमृतपाल का कातिल नहीं हूँ। तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख बेगुनाही की दुहाई देते रहो मगर जुर्म कबूल करवाने के सारे हथकंडे हमें आते हैं मिर्जा। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हथकंडों के खौफ से मैं ये झूठे इल्जाम कबूल कर लूंगा? वो और ढोल होते हैं जो पिटने पे बोल उठते हैं। मिर्जा नहीं, मिर्जा पत्थर, इस पर वार करोगे तो चिंगारियां निकलेंगी। तुम मिर्जा को मजबूर नहीं कर सकोगे देशमुख, कभी नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर करने की जरूरत भी नहीं है मिर्जा। अरे ये सजा तो तुझे किसी और जुर्म की मिल रही है, धोखेबाजी की। तुमने रंगनाथन से पैसा लिया विमला देवी को जिताने के लिए और उस पैसे को अमृतपाल के हवाले कर दिया। मजबूरन हमें अमृतपाल को मौत के हवाले करके उसका सहरा तुम्हारे सर बांधना पड़ा। धोखेबाजी की हरामी औलाद, तू मिर्जा को वफादारी सिखा रहा है? ए देशमुख, तू खुद धोखे में है। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा कामयाब? जरूर होगा। कानून हमारे हाथ में है और कायदा हमारी पीठ पर। क्या हम तेरे दामाद डीडी को कत्ल के झूठे इल्जाम की सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए थे? क्या हम अमृतपाल को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब नहीं हुए थे? तेरी औकात ही क्या है मिर्जा? अरे सबूत और गवाह तो थोक के भाव मिलते हैं और सजा मुफ्त और थोड़ा सा ब्याज। बादल, गंगा, खोल। राम सिंह, खोल, राम सिंह, इधर साला। है बादल, खोल। चाबी कहाँ है? चाबी अभी, छोड़ चाबी को, तोड़ इसको, तोड़। ये क्या बदतमीजी के? I'm sorry sir. लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? अमृतपाल का कातिल लॉकअप करके भाग गया। और तुम? ओ, आप चिंता न करें सर, बहुत जल्दी वो लॉकअप के अंदर होगा। ये सब क्या हो रहा है? सर, एके अमृतपाल कातिलों से मिला हुआ है। इसने अपने गुंडों की मदद से मिर्जा को लॉकअप से छुड़ा लिया और मेरे मना करने पर भी। झूठ बोला सर, इज लाइन। मैं सब जानता हूं। मेरा बस चले तो कानून के आस्तीनों के सांपों को गोली छोड़ा दूं। जी हाँ सर, ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए सर। इंस्पेक्टर केके, बंद गोली चाहिए।
बहुत करप्शन है डिडिया, बहुतों करप्शन है, मगर तुमने कब बुझाया कि हमारे करप्शन के जंक्शन में तुम्हारे करप्शन का इंजन धक धुक चलता रहेगा और हमें खबर ना होगी? अरे पटरिया उखड़वा देंगे हम तुम्हारी ससुर का नाती। हम तुमको सिर्फ ये बताने को आया, तुम हमको डबल क्रॉस किया ना, नो प्रॉब्लम। अभी जो करने का तुम्ही को करने का, पहले तो अपने फादर इन लॉ का कवर तैयार करने का। ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो बुढ़ों का क्रियाक्रम कौन करेगा? जब तुम्हारा नंबर आएगा तो करप्शन भी हम ही कर देंगे, और तुम्हारा नंबर बहुत जल्दी आएगा। आपसे जरा विनती है, जरा रास्ता पार करा दीजिए। हाँ हाँ, आइए मेरे साथ। मैं जल्दी करता हूँ। ए जल्दी चल। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, बोल देखो, छोड़ो। सत्यम शिवम सुंदरम, वेरी सुंदरम, वेरी ब्यूटिफुलम। बाप जितना ड्यूटीफुलम वैसा ही बेटी ब्यूटीफुलम। तेरा बुढ़ा बाप बहुत शाना है ना, बहुत ऊपर तक पहुंचे ना उसकी। न वो बुढ़ा वहां तक पहुंचता, न मेरा बयान एसपी के कानों तक पहुंचता, और न ये यहां तक पहुंचती। वो करप्शन वो बयान का नहीं ना है, करप्शन तो इस सरो के की जान का है। जानू नहीं, किशन नहीं, किशन मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, मगर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। मुझे कानून के सहारे की जरूरत नहीं है कविता, तुम्हारे साथ इंसाफ सिर्फ आज का कायदा कर सकता है, आज का कानून नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारे कायदे से इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। तुम अभी भी उस कानून की बात कर रही हो? तुम अभी भी उस कानून की बात कर रही हो जिसकी जिसकी खोखली जड़ों में कायदे के जहरीले सांप छिपे बैठे? नहीं, मैं उस कानून की बात कर रही हूँ जिसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। मैं उसी कानून की बात कर रही हूँ जो कि पिताजी का विश्वास है। तुम तो अपने फर्ज से मुंह मोड़ सकते हो, मगर मैं पिताजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मुझे अदालत से इंसाफ चाहिए, और मुझे वो इंसाफ मिलेगा। अदालत मुजरिमों को सजा देती है कविता, और मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए। आखिर कैसे साबित करोगी तुम कि तुम पर क्या गुजरी है? कहां से आएंगे सबूत और गवाह? सबूत और गवाह लाना तुम्हारा काम है, पुलिस का काम। पुलिस से ज्यादा सबूत और गवाह आजकल मुजरिमों के पास हुआ करते हैं, और उन सबूतों के सामने तुम्हारा यह अपाहिज कानून बेबस हो जाएगा।
लेकिन मैं बेबस नहीं हूं कविता। अगर इंसाफ अदालत में नहीं मिला तो मैं अदालत के बाहर खड़ा हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। And I promise you. नहीं चलाना, गोली चलाने से पहले जरा उधर देखना। अब ये बर्तन हमारा, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता ना, तुम लोग को इधर ही रहने का।